दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर। कुछ ही दिन पहले सिंगर सर सोनू निगम जी ने एक ऐसा खुलासा किया है रियलिटी शोज जस्ट लाइक द वॉइस, इंडियन आइडल एंड सारे गामापा जैसे रियलिटी शोज का असलियत बता दिया है। आप लोग सुने, मैं वीडियो को अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोग सुने और कमेंट जरूर करना कि आप क्या सोचते हैं। कोई चीज दुनिया भर में चल रही है और उसको अगर बर्बाद करना हो और खराब करना हो, उसका भजिया पाव करना हो, तो यहाँ लेके आओगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको मैं सबसे सटीक और सबसे इजी अंडरस्टैंडेबल रिलेटेबल एग्जांपल देता हूँ, वो है अमेरिकन आइडल का। ओके, अमेरिकन आइडल, ब्रिटिश आइडल, इटालियन आइडल, स्पेनिश आइडल, ये सब चल रहे हैं। यहां से जैसे स्टार्ट हुए थे वहां चल रहे हैं, हमारे यहाँ भी स्टार्ट हुआ। मैं, अनुजी, पर हम सब तीनों ने स्टार्ट किया। वो स्टार्ट हो क्योंकि ऐसा इवॉल्व हुआ है। पहले हम देखते थे कि तूने अच्छा गाया है, और पहले सीजन में कोई बच्चा बोलेगा मुझे तो बस मैं हार तो गया हूँ, मुझे सोनू भैया से के साथ एक बार मिलना है और उनके पैर छूने हैं, और आप प्लीज ऐसा कीजिए कि मुझे अलाउ कर दीजिए सोनू भैया के साथ में। तो हमको फ्री माइंडल की टीम बोल रही है, you can't go, please, this is not the system, this is not you, you're the judges, you can't go on the stage, you need to be over here, you need to you have to maintain the decorum of the of being a judge. To hum stage pe nahi ja rahe. Second season mein hamara jana shuru hua, humko bulana shuru hua, hai uske baad aisa aisa performance shuru ho gayi judge ki. Ab judge bhi kar raha hai kyunki kyun TRP, you know, our management team, our entertainment, our investigation team, our jasusi team is telling us this will work. और ये वो team है जिसको music से कोई सरोकार नहीं है, जिसको कोई वो कल के बच्चे हैं जो ना I don't like this, you know, I don't like it, I like पंचम, पंचम का पता कुछ नहीं है, but I like पंचम, I like पंचम, you know, आप पंचम, अभी तेरे पंचम तेरा बाप के बाप का बाप है, वो पंचम मत बोल कर लिया, तो आड़ी पर बोल कर लिया, what is पंचम? किशोर कुमार यार, किशोर दा, तेरा दा कैसे हो गया, किशोर दा तेरा कैसे हो गया? तो ये लोग मार्केटिंग डिसाइड कर रहे हैं। अब वो जो आइडल शुरू हुआ था जहां पे हम जजेस को अलाउड नहीं था स्टेज पर जाना, अब वहां पे क्या होता है, रो रहे जज, रो रहे हैं, एक आ रहा है और बोल रहे मैं आपके पैर पर जो कंटेस्टेंट को बोल रहे मैं आपके पैर पढ़ना चाहता हूँ, मैं आपके पैर पढ़ना चाहता हूँ, मैं आपके पैर पढ़ना चाहता हूँ। अरे भैया ऐसा मतलब ये जो आइडल का जो स्तर हम रखते थे पहले, जो हमको मेंटेन करने के लिए कहा गया था, और देशों में तो वही चल रहा है, वहां तो नहीं हो रहा, वहां के लोग जजेस जो है वो तो नहीं जाके लोगों के बोल रहे कि हे डूड आई वांट टू टच योर फीट मैन, आई आई वांट टू बाउ डाउन टू यू मैन, आई वांट टू बाउ, ये तो नहीं बोल रहे वहां के लोग। हमारे वाले अब जजेस को, जब मैं जज बना भी था, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ वो लोग जो कर रहे हो कि शायद वो पब्लिक, उनको पता होगा कि पब्लिक ऐसी ट्रिगर होती है, इंडिया में ट्रिगर ऐसी पब्लिक होती है, वो भी मुझे कहते थे कि सर वो कैसा उसने गाया, मैं बोला थोड़ा अच्छा नहीं इतना सर, यू नो यू हैव टू हाइप हाइप द कंटेस्टेंट, कंटेस्टेंट को हाइप करो, ऐसा करो वैसा करो। अब मेरे दिल से नहीं आ रहा यार, इतना अच्छा उसने इतना अच्छा नहीं गाया, और मैं उसको बेवकूफ क्यों बनाऊं, जब उसने गाया खराब है तो मैं उसकी तारीफ क्यों करूं। तो ये चीजों की वजह से जो, और एक और सीक्रेट बताता हूँ मैं आपको, हमारे यहाँ पे एक और सीक्रेट है, जो टेलिक जो आप परफॉर्मेंस देखते हैं टेलीकास्ट की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आइडल, आई एम नॉट टॉकिंग एनी नेम एक्चुअली, लेट मी नॉट टेक एनी नेम बिकॉज़ फिर वो हो जाएगा, देयर आर लॉट्स ऑफ शोज, आई अंडरलाइन लॉट्स ऑफ शोज म्यूजिक कॉम्पिटिशन, एंड परहैप्स मे बी 99% ऑफ द म्यूजिक म्यूजिक कॉम्पिटिशन शोज, सिंगिंग कॉम्पिटिशन शोज, वेयर व्हाट यू आर वॉचिंग इज अ डब्ड परफॉर्मेंस और इज अ करेक्टेड परफॉर्मेंस। They don't want to show you the faltered singing. जो सिंगर ने खराब गाया हुआ है जी, तो अगर जज ने बोला है कि अरे ये जो आपने क्रॉस गाया, क्रॉस में अपने बेसुरा गाया है और टेलीकास्ट में बेसुरा आएगा ही नहीं, तो किसी चीज को खराब करना हो तो इंडिया में खराब करो,
तो हमारे यहाँ क्या हो रहा था, म्यूजिक में भी यही हो रहा था जो आप बोल रहे थे, जहां से ये बात कहानी शुरू हुई है। यहाँ पर क्या है, कोई गाना आज म्यूजिक कंपनीज जो है वो बताती हैं कि ये गाना तुम ना केवल बताओ ये गाना बजाओ, वो ये भी बताती है ये गाना ना बजाओ, हाँ ये बनाया जाएगा। इंडिपेंडेंस, इसको मत गवाओ, ये हमारे कंट्री के, ये हमारी कंपनी के अगेंस्ट है, ये हमारी कंपनी का आर्टिस्ट नहीं है, इसका गाना आप ना बजाओ। और चूड़ी चूड़ी पहन के जो बाकी लोग हैं वो, हाँ सर आपने बोल दिया तो बिल्कुल हम नहीं बजाएंगे, आप हमें प्लीज रूल करो ना, प्लीज हमको प्लीज हथकड़ियों में बांध दो ना, प्लीज हमको फ्रीडम नहीं चाहिए, वी डोंट वांट टू एंजॉय आवर फ्रीडम, प्लीज टेल अस व्हिच सिंगर डू यू वांट टू प्रमोट, आई वांट टू प्रमोट दिस सिंगर, ओके सर व्हिच कंपोजर डू यू वांट टू प्रमोट, आई वांट टू प्रमोट दिस, बट सर दैट गाय इज मच मोर टैलेंटेड एंड ही इज नाउ ही इज माय कंपनीज आर्टिस्ट। तो जो आप अभी तक सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे जब तक ये नहीं बदलेगी चीज, दे वॉन्ट यू टू लिसन टू सर्टन सॉन्ग्स, दे वॉन्ट यू, उनको उन्होंने गाना दिया है, ये उनका आर्टिस्ट है, ये आज 100 रुपये लेता है शो में, उसमें से 40 रुपये इनके पास जाएंगे, और वो आर्टिस्ट जो है वो डिजर्विंग आर्टिस्ट है, वो खूब बाहर कॉन्सर्ट कर रहा है, पर उसका पैसा उसके पास ही आ रहा है, म्यूजिक कंपनी को नहीं मिला वो पैसा। तो वो जो आप सुन रहे हैं अपने बिल बोर्ड चार्ट में, इंडिया के जो है चार्ट जो भी है टॉप 10 चार्ट से, इसका संबंध उस बात से है कि कौन किसका आर्टिस्ट है। तो बाहर ऐसा नहीं होता होगा, इंडिया में यही, मैंने कहा ना किसी चीज का रायता बनाना हो तो वो इंडिया में दे दो, इंडिया वाले उसको पूरा रायता बना के, कचोपर बना के, चटनी बना के आपको ले, आई आई स्पॉइल्ड इट फॉर यू, नाउ यू एंजॉय दिस।